तो कैसन मानी रहुआ लोगन, हम बोलबम जात बानी और आप लोग इस ब्लॉग में जुड़े रहिए। मैं बिहार में अभी शाहपुर में हूँ, मुजफ्फरपुर जिला है, और पालेजा जा रहा हूँ। वहाँ से जल उठा के भोलेनाथ पे चढ़ाएंगे हम सब साथी। और भी बंदे हैं, बस जा रही है, ट्रैक्टर से हम जा रहे हैं। हर हर महादेव। ब्लॉग में जुड़े रहिए, रास्ते का आप भी मजा लीजिए, हम भी मजा लेते हैं। चलिए, यही है तारकेश्वर नाथ बाबा और हम इन्हीं पे जल चढ़ाएंगे पालेजा घाट से जल लाके। तो यही हमारा ट्रैक्टर है और हम इसी में बैठ के जाएंगे। दिखाता हूँ आप लोगों को क्या है अंदर से सीन इसका। ये रास्ता है घुसने वाला, इसके अंदर अंदर का नज़ारा दिखाता हूँ आपको अभी। ये खाने का रास्ते में सामान। यही डीजे जा रहा है हमारे साथ और ये अभी हमसे पहले पहुँच जाएगा, मगर उधर से जब हम पैदल यात्रा चालू करेंगे तो ये हमारे साथ साथ ही रिटर्न आएगा। ये छुटकू इतना शैतान है, मतलब कि यार तुम इसके साथ रह जाओगे ना तो इसके दीवाने हो जाओगे, मतलब कि इसकी बोली में जादू है यार। मैं अपने बम साथियों के साथ फुल एंजॉय करता हुआ स्टार्टिंग समय है और मजे में जा रहे हैं। मतलब जय श्री शंभू भोले भंडारी की जय। दुख हर दरिद्र हर कष्ट हर रोग हर 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 महादेव। हम सारे दोस्त इसी ट्रैक्टर पे जा रहे हैं, बस भी जा रही है मगर बस का किराया 500 रुपये है, इसीलिए हमने ढूंढा फ्री की सवारी और बैठ गए आके ट्रैक्टर पे। और ये ट्रैक्टर मेरे मामा का है इसीलिए फ्री में जा रहे हैं यार, नहीं तो कोई फ्री में लेके जाने वाला नहीं है। तो बोलो जय शिव शंभू। तो भाई लोग ये इस होटल पर रुके हैं चाय और बिस्किट खाने के लिए। मतलब रास्ता फर्स्ट स्टॉप है ये हमारा, इसके बाद आगे का यात्रा होगा नाश्ता के बाद। सारे बंदे चाय और बिस्किट खा रहे हैं और ये हमारे मंगरू जी हैं जो कोने में खड़े होकर चाय और बिस्किट का मजा ले रहे हैं। चलते चलते शाम हो गई है और वही शाम के 6:30 बज रहे हैं अभी। हम सुबह वही 10-11 बजे के करीब में घर से निकल गए थे और अब हम पहुंचने ही वाले हैं, मतलब 25-30 किलोमीटर अराउंड बचा होगा पालेजा घाट, जहाँ से हमें जल उठाना है। यही पालेजा घाट का मंदिर है और हम यहीं से 2-3 बजे के अराउंड जल लेने के लिए घाट पे जाएंगे और फिर जल लेने के बाद सीधा अपने पहले स्टॉप की तरफ, फिर वहाँ रुकेंगे, फिर अगले दिन वहाँ से चलेंगे। जैसे शंभू। तो भाई सुबह के 3:30 बज रहे हैं और हम जल लेने के लिए जा रहे हैं, मंदिर पे भी खड़े हैं, ये चेला घूम रहा है हमारे पीछे। तो अभी जल लेके फिर पैदल निकलेंगे 105 किलोमीटर घर पे, वहाँ पे जल चढ़ाएंगे मंदिर में। हम अभी घाट पे जा रहे हैं और ये पालेजा घाट का रास्ता है, मतलब कि टूटा फूटा है, तो इधर यार बरसात का समय नदी का रास्ता जानती हूँ कैसा होता है। यही पालेजा घाट है और रात का समय है इसलिए कुछ साफ दिख नहीं रहा। और ये जो नाव खड़ी है ना, इस पर बालू लोड होके आया है। काफ़ी लोग बालू को बदरपुर भी बोलते हैं, डस्ट भी बोलते हैं, तो वही है। जय शिव शंभू। तो भाई लोग हम पालेजा घाट से जल उठा के चल चुके हैं, समथिंग 8 किलोमीटर चल चुके हैं अभी, वही 98 किलोमीटर बचा हुआ है अभी जाने के लिए। शाहपुर पट्टी में जल चढ़ाएंगे। बाबा का नाम क्या है? तारकेश्वर नाथ। भोलेनाथ का ही नाम तारकेश्वर नाथ है, उन्हीं पे जल चढ़ाएंगे। चलिए फिर रास्ते में मिलते रहेंगे। हर हर महादेव। हमने अपनी साथियों को पकड़ लिया है और हमारे साथी आराम कर रहे हैं और हम भी आराम करेंगे। अब डीजे पे लगाएंगे 2-4 ठुमका और फिर बढ़ेंगे भोलेनाथ की भक्ति में आगे। जैसे शंभू हर महादेव। तो भाई लोग हम पालेजा घाट से अभी समथिंग 15 किलोमीटर आगे आ चुके हैं और किलोमीटर की बात नहीं करें तो बढ़िया है, क्योंकि
यहाँ किलोमीटर का कोई हिसाब नहीं है, अभी बहुत चलना है हमें। और बाबा भोलेनाथ का हाथ है सर पे, तो चलते रहेंगे। कंकड़ तो चुभ रहे हैं, मजा भी आ रहा है चलने में, पैर भी दुख रहा है, क्या करें। मगर शंभू जी का हाथ है भोलेनाथ का सर पे, पूरा रास्ता पार कर देंगे। जय श्री शंभू। हमें रास्ते में एक मेला मिल गया और हमने भी सोचा चलो भाई मेला मिल ही गया तो अब घूम भी लेते हैं। और मिठाई वगैरह का दुकान लगा हुआ है मेले के अंदर, काफ़ी मस्त देखने में लग रहा है। मगर क्या करें यार, अभी हम बोलबम में हैं तो उतना बाहर का कुछ खा नहीं सकते। यही मंदिर है यहाँ का, और यहाँ पे शायद गंगा मैया की पूजा की जाती है। और भीड़ काफ़ी ज़्यादा है यार, अंदर जाया नहीं जा रहा है। तो हम माता रानी को यहीं से प्रणाम करके और आगे बढ़ेंगे। जय माता रानी की। जय श्री शंभु भाई लोग। तो भाई लोग, हम पालेजा घाट से जल लेके पहले स्टॉप पे पहुंच गए हैं। टोटल हमने 25 किलोमीटर ट्रेवल किया होगा, समथिंग ऐसा ही अराउंड में। और अभी रात भर यहीं गुजारेंगे। ये घटारो स्कूल है, यहाँ बैठे हैं, मतलब और भी बंदे हैं पीछे सो रहे हैं और आगे भी हैं। तो अब सुबह वही 2-3 बजे के करीब निकलेंगे, फिर 4-5 घंटे चलेंगे, फिर अगले स्टॉप पे रुकेंगे। तो मिलते हैं अगले स्टॉप पे। जय श्री शंभु सीताराम। 3 दिन के सफ़र में हमें रोज़ रात को एक टाइम खाना मिलता है, जिसमें दाल भात पापड़ तिलौरी, और इसमें ना ही लहसुन डलता है ना ही प्याज डलता है, और नमक वो डलता है जो हमारे साथ आया था खरीद के, नमक नहीं डलता है। और बिना लहसुन प्याज के भी ना खाने का टेस्ट एक नंबर है भाई, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आया है। रात का समय है और सब सो रहे हैं, तो चलो हम भी सोते हैं। सीताराम। ये पूजा हो रही है कांवर उठाने के लिए, और कांवर उठाने से पहले पूजा होती है, भोलेनाथ की पूजा होती है या जल की पूजा होती है मुझे नहीं पता, मतलब पूजा होने के बाद ही लोग कांवर उठाते हैं। कटारो स्कूल से हम चल चुके हैं और वही रात के 2:30 बज रहे हैं अभी, और रास्ता बिल्कुल सुनसान है यार, मतलब कि हमारे लिए नया रास्ता है, बिल्कुल नए अनजान रास्ते पे हम अभी चल रहे हैं। और रास्ते में हमें कोई मिल जाए, छीन छनोड़ ले, कोई आइडिया नहीं है यार, बस भोलेनाथ का नाम लेके हम बढ़ रहे हैं आगे। और आप देख ही रहे हो अंधेरा है बिल्कुल, कोई कोई ट्रक आ रहा है 5-5 मिनट पे। तो अभी से लेके हमें सुबह वही 10-11 बजे तक चलना होगा। अभी हम 40-45 किलोमीटर के अराउंड ट्रेवल करेंगे, तो चलो यार। जय श्री शंभु। ये बाबू साहेब का घर है और यहीं पे रुकने का प्रोग्राम है, हर साल यहीं पे रुकते हैं, मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे। और काफ़ी ज़्यादा मस्त यार सजाया हुआ है यहाँ पे बाबू साहेब का द्वार, और प्रोग्राम वगैरह भी है। तो चलो अब प्रोग्राम का भी इंजॉय ले लेते हैं थोड़ा बहुत, फिर आराम करेंगे, फिर सुबह निकलेंगे। लेके आई जल्दी गाड़ी जी, कि जाएंगे मदेव घर ना पतिया भुलैया, जाएंगे मदेव घर ना पतिया भुलैया। राम राम भाई लोग। तो सुबह अब हम निकलने की तैयारी कर रहे हैं, और काफ़ी लोग निकल गए हैं और हम भी निकलेंगे, तो चलो फिर कांवड़ लेके निकलते हैं। ये गौतम भाई है जिनको हम प्यार से पंचर बम बुला रहे हैं, क्योंकि इनके पैर में पड़ गया है छाला और इनसे चला नहीं जा रहा यार। मगर भाई का जुनून देख के ना मेरे को अंदर ही अंदर अफसोस हो रहा है यार, कि मेरे अंदर इतना जुनून क्यों नहीं है। छाला पड़ने के बावजूद भी भाई को मैंने कितना बोला, भाई गाड़ी में बैठ जा, गाड़ी में बैठ जा, भाई बैठे नहीं हमारे साथ, पैदल चलते चलते आ ही गए इतनी दूर, अब तो पहुंचने वाले हैं। भाई भाई को सलूट है यार। गाड़ी का कंपटीशन चल रहा है और गाड़ी मेरे गाड़ी के सामने लेकर आ रहा है। इस रास्ते की हालत देख रहे हो भाई, कितने कंकर हैं इस रास्ते में, पैर में तो इतने चुभ रहे हैं ना यार, पैर की धजिया उड़ी पड़ी है। पता नहीं ये लौंडिया और ये औरतें कैसे चली जा रही है यार, मुझे नहीं पता। जय हो शंभू, तेरी माया तू ही जाने। जय श्री शंभू। तो हमने 100 किलोमीटर का रास्ता कंप्लीट कर लिया है, और हमारी जो यात्रा है वो कंप्लीट होने वाली है, मतलब कि पहुंचने वाले हैं हम वही 3 किलोमीटर के समथिंग हमारा बचा हुआ रास्ता। यहाँ पे कांवरियों के लिए खाना बन रहा है,
दाल भात पापड़ तिलौरी। ये लास्ट स्टॉप है हमारा और सारे बंदे चटाई बिछा बिछा के लेटे हुए हैं और कुछ बंदे बिस्किट खिला रहे हैं, मतलब कि सेवा कर रहे हैं। सारे बंदे कल सुबह जल चढ़ा के अपने अपने घर चले जाएंगे। और यहाँ कुछ दुकानें लगी हुई है छोटी मोटी, लिट्टी जलेबी की, और हमारे चचा जी चाय बना रहे हैं। चचा जी तो भाई देख भी नहीं रहे हैं। जल चढ़ाने के लिए और ये आखिरी मतलब ट्रेवल है हमारा, मतलब चल रहे हैं। इसके बाद अब घर भोलेन बाबा पे जल चढ़ा के मस्त प्यार, पूरे रास्ते मज़ा आ गया, मतलब भोले बाबा की शरण में रहने में। जय श्री। ये डाक बम है भाई, और डाक बम बहुत कठिनाइयों से पूरा होता है। ये एक बार जल उठा लेंगे ना तो उसके बाद कहीं रुकना नहीं है, पैर रोकना ही नहीं है यार। सीधा ये शिवलिंग पे आके जल चढ़ाते हैं, अगर कहीं पैर रुक गया ना तो इनका डाक बम टूट जाता है। फिर उसके बाद गाड़ी पे किसी पे भी बैठ के ये आ सकते हैं। और भाई हर किसी के बस की भी बात नहीं है डाक बम पूरा करना यार। ये दौड़ते हुए आते हैं पूरे रास्ते, कहीं तेज़ी में चलेंगे फिर दौड़ेंगे फिर तेज़ी में चलेंगे, धीरे भी नहीं चलना होता है। देख लो इनकी हालत, क्या हालत है। जय श्री शंभू। तो हमारा यात्रा मंगलमय रहा, कंप्लीट रहा, और भोलेनाथ के कृपा से हमने सारा रास्ता कंप्लीट कर लिया। तो अब घर की तरफ जा रहे हैं, मतलब प्रसाद वरसाद ले लिया है, और बाइक वाइक किसी भी बैठ के जा सकते हैं। और यही है भोलेनाथ के कृपा से बढ़िया से हमने रास्ता कंप्लीट किया। जय श्री शंभू, जय सीताराम। I'm gonna take a dim-dum-dum.